हेलो एवरीवन, मैं हूँ सना और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि उस कोशिश के बारे में जिसमें गौरैया को अपने घर तक वापस बुलाने में मुझे सक्सेस मिली। अगर आप भी गौरैया को अपने घर के आसपास देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। हो सकता है कि मेरे एक्सपीरियंस से आप भी सक्सेसफुल हो जाएं गौरैया को अपने घर बुलाने में। हम सब अगर अपने बचपन को याद करें तो हम हर जगह गौरैया चिड़िया को अपने आसपास पाते थे, चाहे हमारा स्कूल हो, घर हो, या हम बाहर जहाँ खेलने जाते हों, या आसपास के पेड़ हों, यहाँ तक कि हमारे घरों में भी चिड़ियों के घोंसले होते थे। लेकिन टाइम बदलने के साथ हमारी लाइफस्टाइल चेंज हुई, लाइफस्टाइल चेंज होने के साथ हमारी प्रायोरिटीज़ चेंज हुई। हम लोगों ने चिड़ियों को वैल्यू देना कम कर दिया और धीरे धीरे ये चिड़िया गायब होती गईं। एक स्टडी के हिसाब से 1970 से पहले जितनी गौरैया थी उसकी बिल्कुल आधी हो चुकी हैं इस टाइम में। तो क्यों ना आप वापस से कोशिश करें इन गौरैया चिड़िया को अपने घरों में दोबारा बुलाने के लिए। सबसे पहले मैंने शुरुआत एक बर्ड फीडर से की, जिसको मैंने आइसक्रीम स्टिक, पॉप्सिकल स्टिक्स भी जिसको कहते हैं, उसके हेल्प से इसको बनाया, जिसको मैंने चिड़िया घर का नाम दिया। मैंने इसको अपने गार्डन में लगाया और दो दिन तक मैं वेट करती रही, लेकिन कोई बर्ड नहीं आई। मेरे लिए एक तरफ तो ये डिसअपॉइंटिंग था, लेकिन फिर भी मैं होपफुल थी क्योंकि बर्ड्स की आवाज़ आ रही थी। लेकिन मेरे इस छोटे से एफर्ट्स का रिजल्ट दो दिन बाद दिखना शुरू भी हो गया, जब एक पेयर गौरैया का आने लगा। लेकिन मैंने फिर नोटिस किया कि सिर्फ इस एक पेयर को भी खाना खाने के लिए वेट करना पड़ता था। पहले एक खाती थी, फिर दूसरी आती थी। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इससे बड़ा बर्ड फीडर बनाया जाए। तो मैंने मार्केट से मज़बूत लकड़ियाँ खरीदी, जिससे मैं नया चिड़ियाघर ज़्यादा ड्यूरेबल, बड़ा और ब्यूटीफुल बना सकूं। मेरे मेहनत का फल भी मुझे मिलने लगा, जब छोटी छोटी चिड़िया मेरे घर में आने लगी, मेरे बर्ड फीडर्स पे आने लगी। इनके पॉपुलेशन की बात करें तो इनकी संख्या हर शहर से कम होती जा रही है, यहाँ तक कि तो कई शहरों में ये दिखना ही बंद हो गई हैं। मेरे थोड़े से एफर्ट से ये छोटी छोटी गौरैया अब मेरे किचन विंडो पे भी आने लगी हैं। तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसा अब बनाते हैं जिससे मैं इनको दिन भर देख भी सकूँ। मीन्स जो बर्ड फीडर मैंने गार्डन में लगाया था उसको हर टाइम मैं नोटिस नहीं कर सकती थी कि खाना उसमें है या ख़त्म हो गया। तो फिर मैंने सोचा कि कुछ ऐसा बनाया जाए जिसमें ज़्यादा बर्ड्स बैठ भी सकें और मेरे नज़र के सामने हो। तो मैंने एक वेस्ट से ट्री ब्रांच से, जो बबूल का एक पुराना सूखा हुआ पेड़ था, वो लिया, उससे मैंने बर्ड स्टैंड बनाया और उसको मैंने घर के अंदर लगाया। मीन्स मेरे विंडो के जस्ट बाहर उसको सेट किया। और सरप्राइजिंगली ये गौरैया 1, 2, 3, 4, 5 से बढ़ के 10 से 15 हो गई, और खाना कब ख़त्म हुआ ये ना जान पाने वाली प्रॉब्लम भी दूर हो गई। जैसा कि ये वीडियो आप देख सकते हैं, ये सुबह 7 बजे का है और यूजुअली मैं खाना डालती हूँ 8 बजे। अब आप देख लीजिए, 7 बज रहा है और किसी को भूख लग चुकी है, और मेरी नज़र पड़ गई तो मैंने इसको फटाफट से रिफिल कर दिया कि कोई भी यहाँ से किसी भी टाइम पे भूखा ना जा सके। हमारे घर के अंदर और घर के आसपास गौरैया सिर्फ देखने में ही नहीं अच्छी लगती, बल्कि हमारे घर की रौनक भी बढ़ती है और इसको हमारे घर की बरकत से भी जोड़ा जाता है। तो अगर आप भी चाहते हैं गौरैया को अपने घर के अंदर, अपने घर के आसपास देखना, तो इन एफर्ट्स में आप भी ट्राई करें और यकीन मानिए रिजल्ट आपको भी मिलेगा। मेरे दोनों बर्ड फीडर और बर्ड स्टैंड का ट्यूटोरियल मेरे चैनल लिटिल कन्वर्सेशन पे अवेलेबल है, साथ ही साथ मैं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सेव कर रही हूँ, जिसको आप यूज़ करके अपने वहाँ भी बर्ड फीडर बना करके लगा सकते हैं। बस इस चीज़ का ध्यान रखें कि इनको खाना पानी टाइम से मिलता रहे, थोड़ा सा मेंटेन हो कि बर्ड्स इजीली आ सकें, और वहाँ पे ग्रीनरी हो तो उससे अच्छी तो कोई बात हो नहीं सकती। और भी ऐसे ही नेचर कन्वर्सेशंस के लिए और मेरे एफर्ट्स को सपोर्ट करने के लिए लिटिल कन्वर्सेशंस को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।